स्क्रीन विजिबल है सबको? क्या जी मैम, ओके। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी हमारा यूनिट 3 है स्ट्रेटजिक मार्केटिंग का, जिसमें हम उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और बाकी कुछ स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी होता क्या है? It is a strategy that an organization adopt for the development of a business. एक business को develop करने के लिए इस strategy को use किया जाता है. This strategy involves widening the scope of organization across different products and market sectors. ठीक है, ये जो strategy है ये scope को बड़ा करती है आपके business organization के लिए, बहुत सारे new opportunities को लेकर आती है. Okay. जैसे यहाँ पर लिखा है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज आर यूज्ड टू एक्सपैंड फर्म्स ऑपरेशन बाय एडिंग मार्केट, प्रोडक्ट, सर्विस और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू मार्केट ऐड करता है. आप एक न्यू मार्केट के अंदर अपने बिजनेस को अगर बढ़ाना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा फ्लरिश करना चाहते हो, सर्विसेज बढ़ाना चाहते हो, ये अगर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज यूज करते हो. ठीक है, अब बारी आती है व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटर कौन होता है पहले तो मुझे ये बताइए, हु इज अ कॉम्पिटिटर? याम, हिकम, दोनों में से कोई भी बताएगा हु इज अ कॉम्पिटिटर? कॉम्पिटिटर कौन होता है? याम, हिकम, आई एम आस्किंग यू. नो मैम, कॉम्पिटिटर का नहीं पता बच्चे? कॉम्पिटिटर जो हम लोग का जो कॉम्पिटिटर जो होते हैं लाइक कंपनी का, फिर अलग कंपनी जो लाइक चैलेंजेस जैसे टाइप. बिल्कुल, एक कंपटीटर जो आपसे कंपीट कर रहा हो, सेम बिजनेस के अंदर डील कर रहा है, उसकी एक डिफरेंट कंपनी है, बट जो काम हम कर रहे हैं वही काम वो कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की, कॉम्पिटिशन से आप बिजनेस का एडवांटेज कैसे कर सकते हैं. कॉम्पिटेटिव एडवांटेज रेफर्स टू फैक्टर्स दैट अलाउ अ कंपनी to produce goods or services better or more cheaply than its rivals. ठीक है, competitive advantage होता है जब आप जो factors हैं company के उसे use करते हो एक better way में, cheap rate के ऊपर, यानी जो competitor rate दे रहा है उससे कम rate के ऊपर, ताकि हमारे products ज़्यादा बिक सके, उसे हम लोग बोलते हैं competitive advantage. ठीक है, हमारे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के तीन पार्ट्स हैं, थ्री फॉर्म्स हैं, माइकल पॉटर ने दिए थे. सबसे पहला है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी. जब आप कॉस्ट के बेसिस पे अपने कॉम्पिटिटर को हराते हो, यानी फॉर एग्जांपल हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 8 रुपए है और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है दैट इज 10 रुपीज, तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रहे हैं, 8 रुपए में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं. ठीक है, तो ये होता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी. अब है डिफरेंशियल स्ट्रेटजी. हमारे पास कुछ ऐसा है जो हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है और वो किसी के भी पास नहीं है. जो क्वालिटी हमारे पास है वो किसी के पास नहीं मिल रही है. हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है बाकी सबसे, तो ये होती है हमारी डिफरेंशियल स्ट्रेटजी. जब हम अपने पास कुछ ऐसी डिफरेंट यूनिक चीज रखते हैं जो किसी और के पास नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज फोकस स्ट्रेटजी. फोकस स्ट्रेटजी इज व्हेन जब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर टारगेट सेट डाउन कर लेते हैं और उसे टारगेट को अचीव करने के लिए अपने सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, वो हमारी फोकस स्ट्रेटजी होती है. ठीक है, कॉस्ट, डिफरेंशियल एंड फोकस स्ट्रेटजी, ये तीनों स्ट्रेटजीज क्लियर है मैम? वो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी जो थोड़ा और बताए ना. ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी इज जब आप कॉस्ट के बेसिस पे अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज में है. अगर मेरा प्रोडक्ट जो है वो 8 रुपए में तैयार हो रहा है, ठीक है, 8 रुपए मुझे, मेरा पेन है एक, मैं पेन की कंपनी चला रही हूँ, मेरे पेन को बनाने में मुझे 8 रुपए लग रहे हैं. ठीक है, और उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके 2 रुपए का 10 रुपए में मैं अपना पेन सेल आउट कर रही हूँ. ठीक है, जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसे अपना पेन बनाने में 10 रुपए लग रहे हैं और प्रॉफिट ऐड ऑन करने के बाद वो उसका जो पेन है वो 12 रुपए का बन रहा है. अब
किसको एडवांटेज होगा इस चीज का? मेरा पेन 10 रुपए के अंदर तैयार होके प्रॉफिट भी ऐड हो चुका है, और उसका जो पेन है कॉम्पिटिटर का वो 12 रुपए में तैयार होके प्रॉफिट ऐड हुआ है उसका। अब बताओ किसका पेन ज्यादा बिकेगा? आपका बिल्कुल 10 रुपीज वाला, बिकॉज उसके अंदर कॉस्ट कम आ रही है और प्रॉफिट भी हमें साथ के साथ मिल रहा है, और हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे महंगे रेट पे बेच रहा है। दिस इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। ठीक है, जब आप अपने कॉम्पिटिटर से लो कॉस्ट के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो, दैट इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, जैसे हमने कहा कि हम कुछ यूनिक चीज अपने पास रखें, अब उस स्ट्रैटेजी को हम थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी इज विद द डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी द यूनिक एट्रीट्यूट्स एट्रीब्यूट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्म प्रोडक्ट प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, मैं चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म चला रही हूँ और मेरा जो कॉम्पिटिटर है दैट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स। हम दोनों में फर्क क्या है? हम दोनों चॉकलेट्स बेच रहे हैं, टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। मैं नट्स एड ऑन कर देती हूँ उनके चॉकलेट में, इतने नट्स भी नहीं है, एड ऑन करते हैं बट उतनी क्वान्टिटी में नहीं। ठीक है, मैंने क्या किया, जो चॉकलेट है उसे कंज्यूम करते वक्त जो कस्टमर है उसको बहुत इशू आ रहे थे कि उसे होल्ड कैसे करे चॉकलेट को। ठीक है, तो मैंने अपने पैकेजिंग को इस तरीके का बनाया कि जब आप चॉकलेट को कंज्यूम कर लेंगे तो पैकेट से ही आप अपने हाथ साफ कर सकते हैं। ठीक है, पैकेट के अंदर कुछ ऐसा मैंने रैपर वगैरह रख दिया या फिर कुछ भी ऐसा रखा टिश्यू टाइप, जिससे आप चॉकलेट कंज्यूम करने के बाद में अपने हाथ क्लीन कहीं पे भी कर सकते हैं। मेरे कॉम्पिटिटर की चॉकलेट का ये इशू है कि उसकी अगर चॉकलेट आप कंज्यूम करेंगे तो उसकी पैकेजिंग ऐसी नहीं है कि आप अपने हाथ क्लीन रख सके, आपके हाथ खराब हो जाते हैं जब आप मेरे कॉम्पिटिटर की चॉकलेट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है हम दोनों में? मैं खाने के साथ साथ टेस्ट के साथ साथ हाइजीन का ध्यान भी रख रही हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर सिर्फ टेस्ट पे ध्यान दे रहा है और पैसा कमाने पर ध्यान दे रहा है। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के अंदर मेरे को इस चीज का एडवांटेज मिलेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट में हाइजीन का ध्यान भी रख रही हूँ, लोग वही खरीदना चाहेंगे जिसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा हो। ठीक है, अब अचीविंग डिफरेंशिएशन, सच डिफरेंशिएशन कैन बी अचीव बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग थिंग। अ फर्म कैन यूज हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल। एक फर्म जो है वो अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे कर सकती है? अगर वो अपना रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज करे, ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स एड ऑन कर ले जो किसी और के प्रोडक्ट में नहीं है। ठीक है, इट कैन प्रोवाइड रिस्पॉन्सिव कस्टमर सर्विसेज। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं डिफरेंशिएशन करने के लिए, बाकी जो कंपनीज है वो प्रोडक्ट बना रही हैं, बट अपने प्रोडक्ट को आगे सेल करने के बाद में जो कस्टमर है उससे फीडबैक नहीं ले रही। मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया। अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद मैंने उनसे पूछा कि मेरे प्रोडक्ट में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, हम और क्या एड ऑन कर सकते हैं। मैं उनसे फीडबैक भी ले रही हूँ, कस्टमर को ये बात बहुत पसंद आई और इससे मेरी जो ब्रांड इमेज है वो और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इट कैन लुक फॉर रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। अब ऐसा हो सकता है कि हम अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ न्यू इनोवेशन कर लें जो अब तक किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैंने एक चीज देखी थी, आई डोंट नो इट रियली एग्जिस्ट और नॉट, एक फोन कवर था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, फोन कवर था, उसके बैक साइड पे कुछ प्रोडक्ट भी एड ऑन हो रखे थे, मतलब काइंड ऑफ मेकअप। ठीक है, उनके बैक साइड पे फोन कवर के साथ में मेकअप प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। तो ऐसा फोन कवर ज्यादातर लड़कियां ले जाना चाहेंगी जिनके फोन के साथ में वो मेकअप भी कैरी कर पा रही है। ठीक है, तो एक डिफरेंट यूनिक चीज है, ऐसे फोन कवर्स को ऑब्वियसली हर कोई परचेज करना चाहेगा जिसके बैक साइड पे कुछ हमारी यूजफुल चीज हो। ठीक है, तो ये यूनिक चीज है, एक नई इनोवेशन है, आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। तो अगर इस तरीके का कुछ भी इनोवेशन हम अपने प्रोडक्ट में कर लेते हैं तो मार्केट में हम एक एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी, नेक्स्ट इज बेनिफिट्स। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के बेनिफिट्स क्या है? पहला, हमारी राइवलरी को रिड्यूस करता है। अगर हमने कुछ यूनिक कर लिया जो हमारे राइवल के पास नहीं है,
तो ऑब्वियसली हम एक अच्छे होल्डिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, और उस एक होल्डिंग पॉइंट के ऊपर हमारा जो राइवल है वहां पर नहीं है, तो हमारा कॉम्पिटिशन रिड्यूस होता है. सेकेंड, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. अगर हम अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सप्लायर्स जो है वो हमसे बार्गेनिंग करने से पहले सोचेगा. उन्हें ये होगा कि मार्केट में इनकी इमेज अच्छी है, तो मैं इनसे जितना कम हो सके उतना बार्गेनिंग करूँ. नेक्स्ट, एंट्री बैरियर हो जाता है. अगर मैंने कुछ ऐसा बना लिया है जो किसी और के पास नहीं है, तो उससे फिर मेरी मार्केट के अंदर कोई और एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो किसी के भी पास नहीं. नेक्स्ट इज नेग्लिजिबल थ्रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट. मेरे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट भी नहीं आ सकता आसानी से, बिकॉज जो मैंने बनाया है वो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं. ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस. पहला है डिफिकल्ट इन सस्टेनिंग डिफरेंशिएशन. हाँ जी बच्चा, राइवलरी का मतलब राइवलरी मीन्स जब आप राइवल्स होते हो, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हो, एक दूसरे का कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जब आपको ना, कि फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग, आपकी कंपनी एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म है. मैंने अपनी चॉकलेट का 2 रुपए रेट बढ़ाया, आपने मेरे साथ साथ 2 रुपए बढ़ा दिया. ठीक है, मैंने अपनी चॉकलेट में न्यू फ्लेवर ऐड किए, आपने मेरे साथ साथ न्यू फ्लेवर ऐड किए. उसे राइवलरी भी बोलते हैं, जब आप एक दूसरे को आगे नहीं जाने देते हो, पूरा प्रॉपर टफ कॉम्पिटिशन जब आप एक दूसरे को दे रहे हैं. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. Now, limitations की अगर बात करें, तो सबसे पहला difficulty in sustaining differentiation. जैसे ही कोई न्यू इनोवेशन मैं लेके आऊंगी, ऑब्वियसली मार्केट में हर कोई वो इनोवेशन अपने प्रोडक्ट में लाने की कोशिश करेगा, तो एक लंबे टाइम तक वो पोजिशन होल्ड करना कि मेरे पास जो है वो बाकियों के पास नहीं है, बहुत डिफिकल्ट रहता है. लोग बहुत जल्दी उस चीज की कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, ओवर डिफरेंशिएशन. कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा ले आते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि हम अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा एड ऑन कर रहे हैं जिस चीज की जरूरत कस्टमर को है ही नहीं है, वो उसके लिए वेस्ट है. ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें चेंजेस नहीं करने चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्ट ओवर डिफरेंशिएट हो जाए. नेक्स्ट इज लिमिट टू प्राइस प्रीमियम. अगर मैं कुछ न्यू इनोवेशन कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा, और उस टाइम पे मेरे कॉम्पिटिटर का एडवांटेज उसे मिल जाएगा. कॉम्पिटिटर को एडवांटेज मिल जाएगा कि मैं न्यू प्रोडक्ट लाई हूँ, महंगा लाई हूँ, उसका पुराना सस्ता प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा बिकेगा. ओके, जितना अब तक पढ़ाया सारा क्लियर है? किसी को कोई डाउट है?